हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस और आरटीएस के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान राज्य सेवाएं तथा राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न और डिटेल में सिलेबस की। इसके साथ ही जो लोग सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही बता दें, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, 1 अगस्त से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी अगर बात करें तो आपके बैच की वर्थ जो है 1,25,000 के करीब में है। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज जो है जो कि 30,000 तक की है, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिनकी कीमत लगभग 15,000 तक की है, और बुक्स की कीमत जो कि 10,000 तक है। इसके अलावा ऑप्शनल बैच टेस्ट सीरीज के साथ जो कि 50,000 के होंगे, तो टोटल आपका प्राइस हुआ 2,30,000, लेकिन ये अभी आपको 57,500 में पड़ेगा। तो यहाँ पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्लान तुरंत ले लेना चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स में आपसे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये आपके बैचलर डिग्री लेवल के क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपके ग्रेजुएट लेवल का होगा। इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा जिसमें टोटल 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज 1 का होगा जो कि 200 नंबर का होगा। सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज 2 का होगा। थर्ड पेपर जनरल स्टडीज 3 का होगा। इसके बाद लास्ट पेपर आपका जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। सारे पेपर आपके 200-200 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका पर्सनालिटी तथा वाइवा टेस्ट होगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स में टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसमें आपसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन तथा हेरिटेज के बारे में पूछा जाएगा राजस्थान के, जिसमें मेजर लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज तथा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और रिवेन्यू सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। सोशियो कल्चर इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा। फ्रीडम मूवमेंट तथा पॉलिटिकल अवेकनिंग और इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। साइलेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्ट्स एंड मोनूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। आर्ट्स, पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट के बारे में पूछा जाएगा। यह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थान लिटरेचर, लोकल डायलेक्ट, फेयर्स एंड फेस्टिवल, फोक म्यूजिक तथा डांस के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थानी कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज के बारे में पूछा जाएगा। रिलीजियस मूवमेंट, संत तथा लोक देवताज ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस तथा लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एंशियंट और मेडिवल पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इसके साइलेंट फीचर एंड मेजर लैंडमार्क ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा मेजर डायनेस्टीज, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तथा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा, और प्रोमिनेंट वुमेन्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। इसके सिग्निफिकेंट इवेंट तथा पर्सनालिटीज और इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसमें इसके वेरियस स्टेज और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के बारे में पूछा जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा 19वीं और 20वीं शताब्दी में। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन तथा रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ब्रॉड फिजिकल फीचर, एनवायरमेंटल तथा इकोलॉजिकल इश्यू के बारे में पूछा जाएगा, वाइल्ड लाइफ तथा बायोडायवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल वाटर वेस के बारे में पूछा जाएगा, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। इंडिया की जियोग्राफी में आपसे ब्रॉड फिजिकल फीचर तथा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर तथा एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाएगा। मिनरल्स, जिसमें आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल और गैस तथा एटॉमिक मिनरल्स के बारे में पूछा जाएगा। मेजर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के बारे में पूछा जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और
इकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा जिसमें ब्रॉड फिजिकल फीचर तथा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पूछा जाएगा, नेचुरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान तथा क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट तथा वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी और मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा माइंस और मिनरल्स के बारे में पूछा जाएगा, पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाएगा, मेजर इंडस्ट्रीज तथा पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाईकोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तथा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और लोकायुक्त तथा स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पूछा जाएगा, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट तथा सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तथा इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में पूछा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग तथा मेंटल एबिलिटी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें डिडक्टिव, इंडक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी तथा बेसिक न्यूमेरेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं वो लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही अगर मेंस में बात करें तो मेंस में आपसे जनरल स्टडीज 1, 2, 3 तीन पेपर जनरल स्टडीज़ के होंगे जो कि 200-200 नंबर के होंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।